मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनसीपी चीफ शरद पवार की ईडी दफ्तर में आज पेशी होनी है। तो आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे ईडी के दफ्तर में शरद पवार जाएंगे। ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मुंबई पुलिस ने पिछले महीने पवार पर केस दर्ज किया था। शरद पवार, अजीत पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है और पवार समेत कई नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। और आज इसी के तहत ईडी के दफ्तर पे दोपहर 2 बजे शरद पवार को पेश होना है। तो हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ दिन पहले ही मामला एकदम सामने आया, उसके बाद से लगातार एनसीपी के जरिए कहा जा रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे वक्त में राजनीति करने की कोशिश सरकार के जरिए की जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आज इस मामले में ईडी के सामने शरद पवार सामने आएंगे। शरद पवार, अजीत पवार समेत कई लोगों के खिलाफ ये बता दें कि मामला दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इसी मामले को लेकर आज ईडी के दफ्तर में शरद पवार पेश होंगे।